हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर 2 मिनट सीरीज। आज के हम जो टॉपिक है उसके अंदर करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फाइनेंशियल कमिटीज, राइट, जो कि पार्लियामेंट को हेल्प करती है इन कीपिंग एन ओवरसाइट ओवर द फाइनेंशियल हैपनिंग्स जो कि गवर्नमेंट के अंदर हो रही होती हैं। प्लस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये कीपिंग इन माइंड जितनी भी चर्चा में रहा है ये, राइट, चाहे PNB के रिलेटेड फ्रॉड से हो या बाकी कोई फ्रॉड हो, राइट, जहाँ पे पैक ने जो है इन सबको ही स्क्रूटिनाइज किया था। नब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेस्ट करती है बहुत सारी पावर्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की, पार्लियामेंट में, ताकि वो एक ओवरसाइट रख सके गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे कि कोई भी जो है झूल ना हो रहा हो, कोई भी जो है इधर से उधर कोई पैसे ना हो रहे हों। और इन सब में ही एक जो इम्पोर्टेंट टूल उनके काम आता है इस थ्रू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब ये जो कमिटी है ये एक्चुअल में ओरिजिनेट की थी प्री कलोनियल एरा में, राइट, सो 1921, तो मतलब कलोनियल टाइम से ही जो है ये चलती आ रही है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो है ये ओरिजिनेट की गई थी। मिंटैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर जो है ये सजेस्ट की गई थी, जिसके कारण जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया उसके बाद 1921 में ये इस्टैब्लिश की गई। तो तब भी यही चर्चा थी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोई करप्शन, कोई भी लेन देन जो है या कोई भी मिसयूज ऑफ फाइनेंसिस जो हैं उन पे एक नज़र रखने के लिए ये पैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। नाउ वन थिंग विच इज़ वेरी क्रूशल इज उस टाइम पे जो फाइनेंस मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है, तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फाइनेंस मेंबर इस कमिटी के चेयरमैन होते थे। एंड इन फैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये ट्रेडिशन थोड़े टाइम चला। 1949 तक ये हुआ कि अब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वही चेयरमैन की तरह एक्ट करते थे पैक के। हाउएवर पोस्ट इसके बाद जो है एक काफ़ी चेंजेस आने लग गए, ठीक है। 1947 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, 1949 तक यही फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है, राइट। हाउएवर आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 दे रियलाइज के पैक ने अगर अपना काम अच्छे से करना है तो दे नीड अ चेंज। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ही पैक के ऊपर, पैक के जो है चेयरमैन होंगे, और पैक का काम क्या है, गवर्नमेंट को स्क्रूटिनाइज करना, गवर्नमेंट को एक क्रिटिकल लेंस की तरफ से देखना, तो किस तरह से वो इफेक्टिवली क्रिटिसाइज कर पाएंगे या किस तरह से पैक जो है इफेक्टिवली काम कर पाएगी अगर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द पैक। इसीलिए उन्हें ये लगा कि इट्स बेटर कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है पैक के पार्ट ना रहे, राइट, जिसके बाद से 1950 ऑनवर्ड्स स्पीकर जो है ये चुनते हैं किसी नॉन ऑफिशियल चेयरमैन को फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंटली कोई भी मिनिस्टर जो है इस कमिटी का मेंबर नहीं हो सकता। पैक जो है रूल 308 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से, राइट, जो कि चुने जाते हैं बाय मीन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। यही मेथड जो है आपके याद होगा, आपको राज्यसभा के इलेक्शंस में भी यूज़ होता है, प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस में भी यूज़ होता है। जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेंबर्स का वो एक्सीड नहीं करेगा 1 ईयर कभी भी, कोई भी मिनिस्टर जो है इसका पार्ट भी नहीं हो सकता। पैक जो है एक चेक रखते हैं स्पेशली थ्रू द वर्किंग ऑफ कैग, तो जो CAG हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट आती है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, उसको जो है पैक इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको जो है पैक स्क्रूटिनाइज करते हैं एंड इनको पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। कैग जो है फर्दर असिस्ट करता है पैक को जब वो उनकी कोई भी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है। अब क्या काम है इनके? इम्पॉर्टेंटली पैक जो है सिर्फ टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ को नहीं देखता कि क्या इतने पैसे उनको दिए गए थे, इतने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए तो चलो सब ठीक हो गया, नहीं, वो ये भी देखते हैं कि क्या ये चीज़ और सस्ते में की जा सकती थी, राइट। सो दे लुक एट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि जहाँ पे क्या वो कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हुआ हो, जितने जो उनके पास रिसोर्सेज थे उनको एडिक्वेटली प्रॉपरली यूज़ किया गया हो, जिनको दिए गए थे उन्होंने ही जो है ये ढंग से जो है रिसोर्सेज यूज़ किए हों, तो इन सब के ऊपर जो है पैक नजर रखता है। इंपॉर्टेंटली इनके सारे जो फंक्शंस हैं, पहली चीज स्क्रूटिनाइज करते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की,
के जो पैसे डिसबर्स किए गए थे ये लीगली अवेलेबल कराए गए थे, जैसे कि आपको पता होगा राइट, कि जो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए होते हैं राइट, फाइनेंस बिल वो पास कराते हैं, जैसे बजट भी हमने देखा है, जब तक बजट जो है पास नहीं होता पार्लियामेंट में तब तक उनके पास पैसे जो है नहीं आते। साथ ही में जो एक्सपेंडिचर है वो कन्फर्म करता है उस अथॉरिटी के साथ कि उसी अथॉरिटी को जो है पावर दी गई थी, उन्हें को ये पैसे दिए गए थे कि आप स्पेंड करें। जो भी रीअप्रोप्रिएशन की गई है वो रूल्स के हिसाब से की गई है। साथ ही में वो एग्जामिन करते हैं अकाउंट स्टेट कॉर्पोरेशंस के, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, जो एग्जाम करते हैं। साथ ही वो अकाउंट्स ऑटोनॉमस एज वेल एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज की भी, ठीक है। इंपॉर्टेंटली इन दोनों की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कैग द्वारा तैयार की जाती है और इन सब के ऊपर जो है पैक नजर रखती है, ठीक है। सो दिस वॉज द 2 मिनट्स फॉर टूडे।